अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्पे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। अनदर शो का आगाज़ कर रहे हैं शहनशाह मुअज़्ज़म निज़ाम सक्का के दरबार से। बादब बा मुलायज़ा होशियार निज़ाम सक्का नाल ओदे बैठा हुआ पुत्र हक्का बक्का दोनों तशरीफ फरमा है। रात तशरीफ फरमा नजर नहीं आ रहा, तन्ने बताने की क्या जरूरत है। जुनैद थारे कन्ने आके यो तो बड़ा ही सुकून मिलता है कि यहाँ वो बात हो जाती है जो और घर में बैठ के हो नहीं सकती। इसलिए बात करते हैं थारे कन्ने आके तो जरा अच्छी अच्छी बातें हो जाए, को मशवरे भी अच्छे दे दे। अब हजूर यहाँ तो इसलिए आ जावे गैर कंडीशन चल रहा है, जरा मौसम खुशगवार हो जावे। वो जो बोल रहा तू जरूर बोल रहा तमीज कर, थारे से बड़ा है को तुमने बड़े छोटे की अदब करने की अकल नहीं आई अभी तक। शहंशाह मुअज्जम प्रोटोकॉल में तो शहजादा बड़ा है। किस बात का प्रोटोकॉल है? कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल ही देख लेके बैठ गया। हर बंदा प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता, जब मिलता प्रोटोकॉल तो उसे शतान की आंत की तरह लंबा कर लेते हैं। राज छोड़ दे, मन्ने कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। अब आपको नहीं चाहिए ना, आपके सजादे को तो चाहिए। दे तो रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल ही तो दे रहा हूँ। मौत के बाद जो प्रोटोकॉल मिलना या नहीं मिलना उसका फिक्र कर। दुनिया भी प्रोटोकॉल ले लेके मरने वाले हो गए। मौसम हर वक्त कब्र के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते। अल्लाह खैर करे जुनैद, मैं यो कहता हूँ कि पुत प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? प्रोटोकॉल तो वो है जो तारे दिल के अंदर है। दिल में गोलियां दे रहा, ऊपर ऊपर से ऐसे कर रहा तो फायदा क्या हुआ ऐसे प्रोटोकॉल का? तो बात हो रही थी यो भी जो इस बच्चे ने की है। रा एयर कंडीशन के बगैर कहते हैं नींद नहीं आती। राना मुराद है क्या तय? यो तो देख निजाम सक्का का बच्चा तू। अगर चार दिन के लिए ये सैन साथ मिल गई है, रागर दरबार में सोना नसीब हो गया तो वैसे ही सोच जैसे झुग्गी में सो जाता था। अब इस तरह बर्फ चारों तरफ लगा के सोया था, लोग कहने के फौत होगा ये। ना तो तन्ने क्यों लगाई इर्द गिर्द बर्फ? गर्मी थोड़ी है उधर, झुग्गी में नहीं गर्मी होती थी? या दरबार में आकर तन्ने सरकारी बिजली खर्च करने का शौक पड़ गया? अगर कह दे आज बादशाह कि दरबार का बिजली का बिल खुद दोगे तो फिर मैं देखता हूँ कौन कितनी बत्तियां जलाता, कौन एसी जलाता, कौन पंखा जलाता। वाह जी वाह, बादशाह सलामत का इंसाफ बुलंद हो। यार कौन सा इंसाफ बुलंद हो, बातें आप सादगी की कर रहे हैं और आपकी बेगम ने मलका आलिया ने 15 करोड़ रुपए के जेवरात पहने हुए। रा बात यो है शाही जेवरात। यो तो पहनने पड़ते हैं मलका बनने के लिए। राज जिस दिन यहाँ से दरबार से जावेंगे यो सारे के सारे जेबरात उतार के इधर खजाने में जमा करके जाएंगे, साथ नहीं लेके जाएंगे। मैं तो साथ लेके जाऊं, खजाने में ना जमा करवाओ, तेरी मुंडी ना काट दूंगा। एक चीज एक मोती भी यहाँ से बाहर निकाल के देख, फिर मैं तुमने बताता हूँ। लोग यही कहेंगे सर कटी मलका फिर रही है। इधर से उतारूंगा इधर से। बाजी मलका जब आप दरबार से जाएंगे तो आपका लड़का ही आपके साथ होगा। रा बाजी मलका क्या होता है? बाजी मलका किस बात की? तैं खाम खा क्यों मेरा साला बन रहा? कहिए मौसम, आज अगर आप फैसला कर लेते हैं ना गर्दन उतारने का तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आपको दिहाड़ी पे बंदे बुलाने पड़े ना। मलका कहते हुए मौत पड़ती है तन्ने। मलका बाजी उतार कर देने इसकी। तन्ने किस लिए रखा हुआ? नामराद रोटी तू भिगो भिगो के खाता सालन में और गर्दन तेरे से उतरती नहीं। यो कह देता कि काफी दिन लग जाएंगे। बादशाह सलामत आप बड़े मजाही हैं। ये बादशाह मिजाही के तो पैसे लेता है। सरकार देखे तो सही इसकी गर्दन उतरने वाली है, गर्दन देखो जी में पिपल दा मुंड हुंदा। खबरदार आइंदे ऐसी बात की तो तन्ने रात तारी जरूरत कैसे हुई बादशाह की सीट पे बैठ गया? प्रा लगना तू, अल्लाह मेरा जानता है कट्ठे खेडे हैं, कट्ठे लड्डू पीठियां खादे ने। बादशाह कौन सी पीठियां खा गया?
अभी नौकरी से निकालो शुगर देख कहां पे जाती। 60 साल उम्र हुई को हया कर यार, रात क्यों खड़ा रहता है, क्यों नहीं गर्दन उतार रहा किसी एक कद्दे की? किसकी उतारूं रे, किसी की नहीं उतरती, तो अपनी गर्दन उतार ले, माल में कोई रौनक मेला तो लगे। मलका आलिया कैसी जल्लाद तबीयत पाई है आपने, रौनक मेले के लिए गर्दनें उतारनी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करे। आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही सोचते हम, अगर फलाह बहबूद सोचनी है तो सबसे पहले तो बचत करनी पड़ेगी। ये जो खजाने में लूट मार होती है इसको रोकना पड़ेगा। अगर दरबार के अंदर यही लूट मार चलती रही तो फिर कैसे रौनक मेला लगे। अब्बा जूर कितनी की बचत करें, पहले जब हम गरीब थे जब भी दाल कद्दू खाया करते थे, अभी वही खा रहे हैं, हफ्ते में एक दफा गोश्त पकता है। रा पहले भी थारे मुंह के अंदर एक जुबान थी, अब भी एक जुबान है। उसके साथ पहले भी अगर तुम दाल कद्दू खाता था तो अब दाल कद्दू खाते हुए तने मौत पड़ती है। पुत जुनैद जब तक सजा नहीं मिलेगी ना काम ठीक नहीं होगी। इनको या तो बचपने से छोटो छोटो को नर्सरी से सिखाना शुरू करो, सही, या फिर इसी तरह चलता रहेगा निजाम। अब मैंने तो अपने घर से ही काम शुरू करना ना, घर वालों को कह दिया जब तक मैं बादशाह हूं उरे अगर किसी ने जियाती की, खजाना लूटने की कोशिश की तो गर्दन उतार दूंगा। यो सारे दरबार के अंदर एसी चल रहे हैं, पक्के चल रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं, यो भी तो खजाना ही लूट रहे हैं। जी जी। राज इतनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, यो ना समझ जाओ कि थारे बाप का माल है, जितना मर्जी जला लें कोई बात नहीं। कितनी की बचत करें, अगर यहाँ की लाइट हम बंद कर देते, बत्ती का इस्तेमाल नहीं करते तो वॉशरूम में क्या मोमबत्ती लेके जाओगे? बेशक मोमबत्ती लेके जाओ, बेशक अंधेरे में दीवार के साथ सर पटका। मोबाइल फोन की लाइट जला कर जाओ, सारा दिन उसके साथ टिकटॉक बनाते रहते हैं। बादशाह सलामत जब लाइट जाती है ना तो यूं ताड़ियां बजाता है और साथ कहता है हाजिर हो हाजिर हो, मैं भी नहीं जाता। रातें क्यों नहीं जाता, मुझे तारी ड्यूटी है, तां क्यों नहीं जाता? हाँ। क्यों नहीं गर्दन उतारता? मेरे वालों जवाब है यार, इन आ रहे थे लगे बादशाह को कोई कुछ समझ नहीं रहा। शहर से मौसम आप भी तो उस वक्त से एक ही हुक्म दिए चले जा रहे, गर्दन उतारो गर्दन उतारो। इतने अगर आपको शौक है तो नहीं उतरती बेचारे से चूड़ी वाली गर्दन वाले वजीर होना। बहुत दोहाई है बादशाह सलामत, दोहाई है, दोहाई है आली जा, दोहाई है। दरबार खत्म हो गया है, पीछे रहो यहां, दोहाई है। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੋ ਆਲਮ ਪਣਾ ਕੇ ਗੋਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾਤ ਕਰੇਗੇ ਨਾ। ਗੋਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਲਮ ਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਮ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲਈ ਜਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਆਲਮ ਪਣਾ ਸੁਣ ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੜਪਰਾ, ਮਹਿਲੋਂ ਮੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਮੇ ਬੰਗਲੋਂ ਮੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। गरीब आदमी बेचारा तड़प रहा, उसको मिल नहीं रही ना पानी मिल रहा ना बिजली मिल रही है। तो यो देखो 3-3 घंटे तक नलका खोल के खड़े होते, मजे ले रहे होते। आलमपना जो आपका वजीर आधे कुएं से अपना हाथी नहलाता और आधे कुएं से खुद नहाता है। आप क्यों दोनों भाई नहाते हुए कुआं खुश्क कर देते हो? ये झूठ बोल रहा है आलमपना, हमारे इर्द गिर्द तो कोई कुआं है ही नहीं, मैं तो स्विमिंग पूल में नहाता हूँ। अरे वो स्विमिंग पूल और क्या, जब उसमें यो घुसता तो यूं ही लगता कि कुआं। ना मुराद स्विमिंग पूल में तो कभी बादशाह नहीं नहाया, तारी क्या मौजे लगी हुई है? देखिए बादशाह सलामत, बादशाह की खुशियों में नाचे तो गरीब आदमी, बादशाह को अपने कांधों पे उठाए तो गरीब आदमी, बादशाह सलामत की बग्गी बाजार से गुजरे तो साथ साथ दौड़े गरीब आदमी। और गजब खुदा का, गरीब आदमी कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं, और आपके वजीर सफीर नहा में स्विमिंग पूलों में। गर्दन उतार दे। अब इसने इनकार कर देना मुझसे नहीं उतर। यार तुम मेरी बात सुनो, तुम रोजाना 2-2 इंच उतारनी शुरू करो।
यानी तुम्हारा मतलब कि 2 साल मैं इतने लगा रहा। और तो और अलीजा, जो वजीर बैतुल माल में से थैलियां लेके जावे मेले में नाचने वाली औरतों पे चांदी के सिक्के फेंके, उनका कोई हक नहीं है। वो क्या भूखी मर जाए, उनकी मदद करना भी हमारा हक है। रावण की मदद करनी है तो अपनी जेब से कर, सरकारी पैसा लुटा रावण पे। तुम्हारी फर्स्ट कजन लगती है जो दरबार से सरफियां उठा उठा के बैंक रहा, सरकारी खजाने को बाप का माल समझावा। कमतार अगर किसी ने सरकारी खजाने में हाथ डालने की कोशिश की तो आपने खुद ही फरमाया था इंसानियत से प्यार करो। ओए तुम्हारी वालदा माजदा भी इंसानियत में आती हैं। वो 3 हफ्तों से अस्पताल दाखिल है, कभी गया उनकी खबर लेने? उधर तो बड़ी बहन को बिठाया हुआ, वो साथ वाले मरीजों से फ्रूट मांग मांग के उसे खिला रही है। वो इंसानियत में नहीं आती। बस कर दे आलम फना, आपने मेरी आंखें खोल दी। देख रहे हो बादशाह सलामत, 150 असरफियों की थैलियों के बाद इसकी आंखें खुली है। रा गर्दन उतार दे बादशाह, मैं जा रहा हूं। मैं भाई जान, इससे पहले कि आज हम बात शुरू करें जरा पहले एक वीडियो देख लें। ये देखें असला है। ये देखें, ये जो अभी अटैक हो रहा है सबके हाथों में हाँ जी पिस्तौल है, असला पकड़ा हुआ सारों ने। ये कोई गैर इलाका है? ये देखें वो बच्चा भी लेके, वो देखें। अब ये मामला पता क्या है जी? क्या सर? ये वीडियो गेम की नकल में बच्चे जो है ये नकली फाइट कर रहे हैं। ये दो गैंग्स बन के पबजी से इंस्पायर होके उसकी नकल में ये सारा कुछ हो रहा है। इनके पास पिस्तौल नकली है? हाँ जी पिस्तौल नकली है, लेकिन वो एक्ट बिल्कुल असली लड़ाई की तरह कर रहे हैं। दो गैंग्स बने हुए। कितनी बार हमने इस बात का जिक्र किया है कि ये पबजी या जो दीगर फाइट गेम्स हैं ये कितनी तेजी के साथ हमारे माशरे में जहर फैला रही हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम कान धरने को तैयार नहीं है, और हमने बार बार यही मुतालबा किया है ना कि ये जो टॉय गन्स हैं, ये जो खिलौना बंदूकें हैं, इनकी इंपोर्ट और इनके इस्तेमाल और इनकी फरोख्त पे पाबंदी आयद की जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक मिसाल क्या होगी कि 2016 में अफगानिस्तान जैसा मुल्क वो टॉय गन्स पर पाबंदी लगा चुका, जहां पे बंदूक उनके कल्चर का हिस्सा कहा जाता है ना। तो 2016 में अफगानिस्तान टॉय गन्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन हमारे यहाँ आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितने खिलौने चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं उनका 13% हिस्सा जो है वो टॉय गन्स है, खिलौना बंदूकें हैं। और ये मतलब ये कल्चर जो है पबजी का या टॉय गन्स का ये बढ़ता ही चला जा रहा है, किसी तरह ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सर जी अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, जैसे डोरे रोकी है इन्होंने। अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जैसे हाँ अच्छा कैसे रोकी है आतिशबाजी, ये डोरे कैसे रुकी हैं? उनकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगा के नहीं रोकी गई, बल्कि फरोख्त पे पाबंदी लगा के रोकी गई। लगाई तो है ना। हाँ मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाया ये कॉन्सेप्ट जो है कि किसी चीज की फरोख्त पे पाबंदी नहीं है, इम्पोर्ट पर पाबंदी है। किसी चीज की इम्पोर्ट पर पाबंदी है तो फरोख्त पर पाबंदी नहीं है। भाई अपनी जुबान तो एक करो ना, अगर आपने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है तो फिर सेल की इजाजत क्यों है? जी बिल्कुल। और अगर सेल पे पाबंदी है तो इम्पोर्ट करने की इजाजत क्यों है? भाई सीधी बात है, आपकी इम्पोर्ट पर भी पाबंदी होनी चाहिए और सेल पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ बदतरीज ये जो पबजी और दीगर फाइट गेम्स है ना इसका क्रेज बढ़ता ही चला जा रहा है। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त हमारे वतन अजीज में जिन लोगों ने मोबाइल ऐप से पबजी, मैं सिर्फ पबजी की बात कर रहा हूं एक गेम की, और वो भी मोबाइल ऐप से जिन लोगों ने डाउनलोड की हुई है ना, उनको तादाद पता क्या है? क्या? 70 लाख। 70 लाख बच्चों ने डाउनलोड की हुई है, 70 लाख मरतबा ये गेम डाउनलोड हुई है मोबाइल ऐप से। और जो इसके रेगुलर खेलने वाले हैं ना बच्चे, उनकी तादाद 42 लाख से ज्यादा है। 42 लाख बच्चे, अपन अंदाजा करें। और मेरा ख्याल है एक रफ आइडिया ये है
कि पबजी और दीगर फाइट गेम्स खेलने वाले बच्चों की तादाद, बच्चे बड़े भी खेलते हैं वैसे, इनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है पाकिस्तान में, 1 करोड़ से ज्यादा है। और सारा दिन यही काम करते हैं, हाँ। यही काम माँ आवाज मारे थे गल नहीं सुननी। अच्छा मैंने ये वीडियो दिखाई है, इसके बाद इसके जो असरात है ना, ये तुम एक और वीडियो देखो, ये देखो दिखाएं। ये जो वीडियो है ना इसमें ये बच्चा देखो, ये स्ट्रेचर पर लेटा हुआ बच्चा जी जी। ये देखो ये जो उंगली से या अपने हाथों से ये उंगली उस तरह हिला रहा है, हिलाया जा रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है ना, ट्रिगर को वो फायरिंग कर रहा है, ये देखो ये आदि हो चुका है इसका, लेकिन इसको ये देखो ज़ेहनी मरीज बन गया, फायर भी कर रहा है लेटा लेटा, फायर कर रहा है, ये देखो। अच्छा और इंतहा ये सिदम ज़रीफ़ी की कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इनको सेल से रोकते हैं ना ऐसे खिलौनों को, और उसकी तशहीर भी की जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये देखें तस्वीर, देखें ये तस्वीर, ये देखें ये कराची पुलिस की तस्वीर है, ये कराची पुलिस जो है ये उस असलहे की नुमाइश कर रही है और सोशल मीडिया पे इस तस्वीर का मजाक उड़ाया जा रहा है, हालांकि इस तस्वीर को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये कराची पुलिस ने मुख्तलिफ दुकानों पे छापा मार के जी जी। तो ये जो टॉय गन्स हैं ये अपने कब्जे में ली हैं और इसको सोशल मीडिया पे इसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है कि जनाब कराची एक बड़ी तबाही से बच गया और ये हो गया। कराची वाकई तबाही से बच सकता है, कराची क्या पाकिस्तान का हर शहर इस तबाही से बच सकता है। आप ये सुन के हैरान रह जाओगे कि पबजी से इंस्पायर होके और दीगर फाइट गेम से इंस्पायर होके पिछले 3 सालों के दौरान 150 से ज्यादा कत्ल हुए, 150 से ज्यादा यार, बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा करें, ये कोई मामूली तादाद नहीं है, 3 वर्षों में 150 से ज्यादा। यानी बच्चियां नु कोई चंगी गल नहीं दसनी, मत वाली बात नहीं बता रहे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, कोई ट्रैफिक के असूल नहीं बता रहे, कोई टॉयलेट इस्तेमाल करने के असूल नहीं बता रहे, कोई माँ बाप का बड़ों का अदब करने के असूल नहीं बता रहे, पबजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं पबजी। अब ये देखो 150 कत्ल होने वालों में वो माँ बाप भी शामिल हैं जिन लोगों ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पबजी खेलने से रोका था और बच्चों ने रिटेलिएट करते हुए माँ बाप को फायर कर दिया, माँ बाप को फायर कर दिया। ऐसी वारदातें भी है कि आपको वारदात शायद भूल गई है, 1.5 साल पहले की वारदात है जहां पे एक नौजवान ने अपने पूरे घर वालों को मार दिया था फायर करके, बिल्कुल ठीक, वो भी पबजी खेल के पागल हुआ हुआ। हाँ हाँ हाँ, बड़ा बड़ा खौफनाक मंजर है जी आगे नजर आ रहा, इसे फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेना चाहिए वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो सर जी ये बच्चे जो ये पबजी खेलते रहते हैं फायर करते रहते हैं, ये जब अभी तो बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो यही इनके ज़हन पे सवार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो ही रहा है बड़े होके, क्या उसी एज में ही वो मतलब उनका ज़हन जो है वो पुरतशद्दुद हो जाता है, वो वायलेंट हो जाते हैं, फिर वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। पूरी पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम फैली हुई है कि माहरीन नफ्सियात के पास आने वाले बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो पबजी और दीगर फाइट गेम्स जिससे जो मुतासर बच्चे हैं ना वो साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे हैं, बिल्कुल साइकोलॉजिस्टों के पास आ रहे हैं, यही देखे कि यार इसका क्या हल किया जाए, और सारे ही लोग जो है वो इससे परेशान बैठे हुए हैं। सर जी ये बच्चे जो आदि हो जाते हैं ये तो अपने बाप से ना बिस्किट ना टॉफी ना आइसक्रीम मांगेंगे, ये तो गन ही मांगेंगे। दौर चला गया गोगे तुम्हारे वाला, थोड़ी सी जिद करते थे बुधवाना भी ले देते थे, अब तो कोई, अब तो बच्चों का वाकई सच्ची मुच्ची बच्चों का ध्यान ही टोटल ना जी इन चीजों पे चला गया हुआ है। सेहतमंद मुआशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त बीमार होता जा। अच्छा ये जो हमने इम्पोर्ट की बात की है ना कि चीन से एक अंदाजे के मुताबिक $5 करोड़ के हम खिलौने इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसका 13% हिस्सा जो है वो टॉय गन्स पे मुश्तमिल है। हमने ये मामला जानने के लिए कुछ इंपोर्टर से बात की, वो कहते हैं कि ये जब हम खिलौना इंपोर्ट करते हैं ना तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ही कोई नहीं है कि ये क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, उसकी 2 ही किस्में हैं खिलौनों की, मेटल या प्लास्टिक, बस ये लिखा ही नहीं है कि इसमें कार है, इसमें डॉल है, इसमें गन है, नहीं, बस यही है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ और ये मेटल का बना हुआ है, धाती है बस। अजी तो मुंह क्या देख रहे होते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये ईवान है जो है बड़े बड़े असेंबलियां बनी हुई जो कानून बनाने वाले अदारे हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे होते हैं, किस तबाही को देख के उन्होंने फिर बैठना होता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, या वो किस हालत को पहुंच के या मुल्क को उस पर पहुंचा के, तो
तो फिर बैठेंगे या सर जोड़ेंगे, फौरी तौर पे इस पे अमल होना चाहिए। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहे। नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारा प्यारा प्यारा लाडला फीका। ओए ओए लाडला प्यारा लाडा लाडो चिमे ही बंदा खराब हो जाता है। सही। हाँ अब्बा कहते हैं कि ये फजूल ना किसी दे लाड वेख के तोड़ पिया करो। इसको मैं इसीलिए आज साथ लेके आया हूँ। ये ना मलकों के जो गार्ड है ना उनके गनमैन उनके साथ बड़ा फ्री होता है। इसने इसने बता लेना इसने गार्ड की बंदूक पकड़ के तो दो फैड भी कड्डे हाँ। वो तो मैसी में टेस्ट कर रहा था कि मुझे चलानी आती भी है कि नहीं। तो तुम्हें क्या जरूरत है? अब्बा मुझे कहता है तुम इसके साथ भी ना फिरा करो। ये अब्बा कहता है कि इस तरह ही फिर बंदा बदमाश बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। अब्बा कहते हैं कि इसको क्या जरूरत थी? हाँ जी हाँ जी। वो गार्ड जो है वो इसको पता है वो कौन है? एवं उनके साथ लाड करता फिरता है, उनके साथ दोस्तियां बनाता है। अब्बा जी फिक्र पै गया ना कि इन्हें चलाई थे कल नो तू भी चलाएगा। हाँ हाँ यही कहता है मेरा अब्बा। वो कहता है कि ऐसा ते बहना उठना ही गलत हो गया है तो तू क्यों इतने नाल यार बनिया है? तू भी खराब हो जाएगा। मैं खराब तो नहीं हुआ। ठीक है अगर तुम बंदूक पकड़ के बोलो ना ना तो इंजी लगे कि जमरूद तो मफरूर बुलाया। जमरूद तो मफरूर क्यों जाए? अब कहते हैं कि इसको ये पूछो कि ये उनको जानते हैं कंपनी से आते हैं वो गार्ड उनके गार्ड। ओ यार मैं तो फैक्ट्री में तुम्हें लेने के लिए गया था, तुम्हारी छुट्टी में अभी आधा घंटा था मैं उनके साथ बैठ गया। अब्बा कहते हैं कि ये जो मलकोनी है और वो दूसरे हाजी साहब भी वो कहते हैं कि ये लोग भी गनमैन रख लेते हैं मल्ले में, बंदूके पकड़ पकड़ के वो खड़े होते हैं ना ना दी अगे दा पिछा ना पर पिछे दा पता ते ना अगे दा पता। बिल्कुल जी बिल्कुल पता नहीं कितों कितों आए होंगे। हाँ वो कह अब्बा कहते हैं कि फिर कोई मल्ले च वारदात हो जाएगी ते फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लैंदा। अम्मा कहती है चल तू काजली कलपना साडे घरों उन्हां ने टुटियां मंजियां चुकनियां ने। जाने भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने इतने बाजू तुम्हारे फायरिंग करते तुम। हाँ ते और की फैड काड़ के फिर किन्नी देर बह के रोंदा भी रहा है। यह मेरे को की हो गया। रोता क्यों रहा है? और चौकीदार ने बालिया सी ना गन मैना ने उन्होंने कारतूसा दे पैसे मांग ले सन। अगो उन्होंने कहंदे मैनू छड दियो मेरे को पैसे नहीं है, मैं तुहानू दो दिन घरों रोटी लिया के खुआ दियांगा। उन्हें क्या फिर सालन च बोटिया ना ना हुई तो फिर तेन फैड ही वजेंगे। फिर बह के रोन लग पिया कहते साढ़े सालन च ते बोटिया ही नहीं होंदिया मैनू ते फैड वजे ही वजे। ये वैसे हमारे यहाँ एक इशू बना हुआ है हमारे गली मोहल्लों में जो मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनीज की तरफ से बल्कि रजिस्टर्ड कंपनीज की तरफ से भी जो गार्ड बैठे होते हैं, कई गार्ड ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा वो बदमाशी के अड्डे बनाए हुए हैं, वारदातों में मुलव्वस हैं कई लोग। इतनी इतनी बड़ी मूंछ है एक गार्ड की। बताओ ना ये ऑफिसर है, ये इसी महकमे के ऑफिसर, ये अफसर है, बहुत सीनियर ऑफिसर है। ये अफसर है बंदूकों वाले फिर उनको क्यों नहीं आप लोग चेक करते? करते हैं करते हैं, वो भी आवाम की हिफाजत के लिए बैठे हैं। तो अफसर भी अवाम की हिफाजत के लिए बैठे हुए? ओ यस। गुड चल फिर उठ के कुंडी ला किया।
एब्सोल्युटली फनी। अच्छा सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मसला पता है कब बनता है? जब मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, ये खुद पार्टी बन जाते हैं। हाँ, अब्बा कहते हैं मैं बुंजू का पढ़ के चौधरी बने हुए ने, ते छाना तेरा यारो ना कोल बैंड आए। उन्होंने इसको कहा था कि तुम पर्ची जुआ खेल लिया करो। वो उन्होंने इसे कहा था, इसने कहा के सही कहते ने वो बंदा मीर हो जाता है। तो अब्बा कहता है कि बंदा बर्बाद बहुत होता है, अमीर होना रात भी आया है, गलत बातें वो इसको सिखाते हैं तो ये उनका खुद ही यार बना हुआ है। उसमें जो जीते पैसे होते हैं वो भी हराम होते हैं, हार तो जाता ही, जीते पैसे भी हराम होते हैं। हाँ, आप अफसर ने, अफसर ने। हाँ यार, तेन कितनी बार कहूं अफसर है मैं, अगर तुम पढ़े लिखे होते ना फीके तो तुम्हें मैं नौकरी लगवा देता। तुम फिर कैसे लग गए हुए? I'm educated person. तेरे नहीं पता? डरे ना? और डरिया का जुआ मैं हाथ छाड़ो क्या है? सर जी, मोहल्लों के लड़के इन मोहल्लों में बैठे हुए प्राइवेट गार्डों से असला लेके टिकटॉक भी बनाते हैं और फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं। एक दफा इनके मोहल्ले में गार्ड की बंदूक में गोली फंस गई थी तो गार्ड ने इसको भेजा था नाली के अंदर, निकाल के लाओ। टकड़ मार के काट देना यार। ये वाला जो अफसर है ये वड्डा पतीला मांझ लेता है। क्या बकवास है ये, वड्डा पतीला, वड्डा पतीला, छोटा पतीला वो तो बंदा मांझ भी लवे। हां बिल्कुल ठीक, आप छोटे अफसर हैं। बड़ा अफसर हूं मैं। तो वड्डे अफसर तो पतीला भी वड्डा मांझा करो। अफसर वड्डा था, पतीला छोटा। अच्छा जी, जो पेट्स पालने वाले लोग हैं उनके हवाले से मैं चंद बात तहजीबियों का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद पेट लवर आदमी हूं जी। और मैं समझता हूं कि ये लाजमन जो बातें मैं भी देखता हूं या दूसरे लोगों की भी देखता हूं उसका जिक्र जरूर करूं। हाँ जी, जरूर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम पेट्स ऐसे कई रखते हैं जी, जो हम सुबह खुले छोड़ देते हैं और रात को हम बंद करते हैं जी। हाँ जी। वो जो खुले छोड़ते हैं जिनमें मुर्गियां भी हैं, बकरियां भी हैं, गाय भैंसे भी होती हैं, वो हम खुले छोड़ देते हैं और वो जाके दूसरों के पौधे या दूसरों का लॉन या दूसरों की ग्रीनरी तबाह कर देते हैं जी। या दूसरों के दरवाजे के आगे या सेन पे गंद डालते हैं, गंद डालते हैं, वो बहुत ही बुरी बात, बुरी बात है। हाँ जी। आपको शौक है अगर जानवर पालने का या परिंदे पालने का तो वो आपका शौक है। हाँ। हो सकता है आपका हमसाया उससे बड़ा चिढ़ता हो, तंग हो, हाँ या उसे बुरा लगता हो। इसलिए जो पेट्स पालते हैं, जो अपने पास रखते हैं जानवर परिंदे, वो अपनी हदूद में ही उन्हें रखें तो अच्छी बात, अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और पेट्स के हवाले से बड़ी अजीब सी बात देखने को आती है कि जब आप अपने किसी खतरनाक पेट को, या आपको पता है कि वो खतरनाक नहीं है, वो दिखने में खतरनाक लगता है, जब आप उसे लेके बाहर निकलते हैं तो आप जानबूझ के क्यों सड़क पे गुजरते हुए लोगों के करीब से उसे लेके जाते हैं? हाँ जी। या वो उन पे छाले मार रहा होता है तो आप हंस रहे होते हैं, साथ कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, लोगों के त्राव निकल जाते हैं। भाई त्राव निकल जाता है क्या, जान निकल जाती है? कई लोग बड़ा सख्त डरते हैं। अच्छा, सिर्फ डरना ही नहीं होता, हम ये खुश हो रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं कि डर रहा है, कई लोग जो है उनको बड़ी सख्त एलर्जी होती है, प्रॉब्लम, वो उनको घिन आती है। बिल्कुल। वो आप उससे क्यों आप उनका इम्तिहान ले रहे हैं? असल में ना उनको डरा के, ना राहगीर को डरा के अपने पेट से हमारे जो एक अंदर एक कमीना सा जज्बा होता है ना, उसकी तस्कीन हम चाह रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। एक नफसियाती मसला होता है कि देखो मैं इसको डराने में कामयाब हूँ। और फिर कई लोग जिन्होंने घर में मतलब कैट पाली हुई है या कोई और चीज है आपके पास, या कुत्ता आपने अंदर रखा हुआ है, अव्वल तो मेरा ख्याल है कुत्ता तो वाकई अंदर नहीं रखना चाहिए। चले आपने रखा हुआ है, अगर इस बहस में हम नहीं पढ़ते तो आपके घर में कोई मेहमान आता है और उसे अगर उससे डर लगता है या एलर्जी है, कराहत होती है महसूस उसे, तो फिर खुदा के वास्ते आप उतनी देर उसका इम्तिहान लेने की बजाय अपना पेट साइड पे कर ले, उसको कहीं बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, मेहमान आया हुआ है
मेहमान की इज्जत और उसका ख्याल रखना, उसकी मेहमानदारी जो है वो यही है कि वो आपके घर में आगे तंग ना हो, वो आपके घर में आगे बेचारा अदा ना रह जाए, तरा ना ले। तो आप जितनी देर वो है उतनी देर अपने जानवर को, अपने पेट को परे ले जाए। आप क्यों उसको इम्तिहान में डाल के बैठे हो? वो बेचारा नाल चाह पींदा है, इंजन बेचता मेजबान मेहमान की तरह इस तरह देख रहा था। गलत बात है, गलत, अच्छी अच्छी एक्टिंग की है। तो मैं चांस दूंगा मैं। ये गलत चीजें हैं, इसको हमें इसको इससे बाज आना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर एक और इंतहाई जो दुख वाली बात है, मैं कुछ लोगों ने अपनी छतों पे कबूतर पाले होते हैं, मुर्गियां पाली होती हैं, और वो सारा दिन छत पे इस तरह की हवनक हरकतें और शोर वोगा कर रहे होते हैं कि आपके साथ वाले जो हैं वो अगर सर्दियों में बेचारे छत पे हैं, या वैसे गर्मियों में भी वो खवातीन छत पे आना चाहती हैं, तो वो बेचारी शर्म से ही नहीं आती। मेरा ख्याल है हमसायागिरी जो है वो इस बात का सबक देती है, देती है कि आप खुदा के वास्ते किसी भी ऐसी चीज से, हरकत से इज्तनाब बरतें, उससे बाज आए, जिससे आपका हमसाया या आपकी हमसाए में खवातीन जो है वो बेचारी टेंशन में है या तंग। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम जो है मोहल्लों में वो ये देखने में आता है कि जिन लोगों ने ज्यादा तादाद में पेट्स पाले होते हैं ना, वहां पे वो सफाई का इंतजाम नहीं करते या वो ड्रेनेज का इंतजाम नहीं करते, तो वो बदबू का मरकज बन जाती है। अब मोहल्लेदार जो है बेचारे गिला करें भी, अव्वल तो गिला करें तो आगे से लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर कोई हमसाया ये कह दे कि बदबू आ रही है तो उसकी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं हमें नहीं आ रही। बंदा पूछे तो हूं नक खराब है, हमसाया का नीना खराब है, बंदा रह रहे आप आदि हो गए हो यार, तुम बेचारों को आ रही है। नहीं जी नहीं, मैं कहता हूँ कि सीधी सी बात है कि हमसाया जिस बात से तंग है, तंग है बिल्कुल, उससे बाद आ जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। फिर एक और बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है कि कई जगहों पे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि पार्क के अंदर जानवर लेके आना मना है, या किसी और जगह पे अगर ये चीज लिखी हुई है तो खुदा रहा फिर उस हदायत पे अमल कर लें यार। अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो फिर लाजमन वहां पे फैमिलीज या खवातीन या बच्चे आते हैं जो उससे डरते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ना पार्क में आप लेके आए अपना जानवर, अपना कुत्ता या बिल्ली ना लेके आए, तो ना लेके जाए। इसमें कौन सी ऐसी जिद वाली बात है, या आपने कौन सा कुत्ते को सुबह कहा था कि आज तेनों पार्क च लैके जावा? नहीं लैके जाओगे तो कुत्ता कहेगा कि यार तू को मालक अच्छा नहीं निकलिया, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यार, अगली यारी तू जिन्ने मर्जी पैसे देगा मैं नहीं हूं तेरे अलावा। नाज़रीन, ये था आज का हस्पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि वक्त की वक्त पे कदर करे, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो आपको वक्त दे सके। वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या वक्त की तकरार की। अभी खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।